नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव में। मैं हूँ आपके साथ तनीषा जैन। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बिहार की राजनीति पर फिर चर्चा में एनडीए सरकार ने पास किया फ्लोर टेस्ट। समर्थन में पड़े 129 वोट, बहुमत का आंकड़ा 122। आरजेडी के 3 विधायकों ने सरकार के पक्ष में किया वोट। कांग्रेस को बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने 13 नेताओं के साथ छोड़ी कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा में हो सकते हैं शामिल। डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिप्टी सीएम की नियुक्ति को किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे 1,00,000 अपॉइंटमेंट लेटर। कहा, पहले नियुक्ति पत्र देने में बहुत लंबा समय लग जाता था, जिसके बीच देरी का फायदा उठाकर रिश्वत का क्लियर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया। किसानों की कूद से पहले दिल्ली में लागू धारा 144। 13 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनवाना है किसानों की मांग। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस कार से जा टकराई, जिससे दोनों वाहन धू कर जलने लगे। हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की मौके पर मौत हुई। फ्रांस के बाद मॉरिशियस और श्रीलंका में लॉन्च किया गया यूपीआई। अब से भारतीय पर्यटक मॉरिशियस और श्रीलंका में कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 523 अंक फिसला, तो वहीं निफ्टी 166 अंक की गिरावट के साथ बंद। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को 79 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीती 4th ट्रॉफी। भारतीय पारी की सबसे बड़ी साझेदारी नमन तिवारी और अभिषेक के नाम। सूरत की ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड के सितारों ने लगाया 4 चांद। जानवी कपूर और अनन्या पांडे समेत अमित त्रिवेदी ने किया परफॉर्म। आज की खबरों में इतना ही। अन्य मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।